दोस्तों आज की हमारी कहानी है कौवा और बिल्ला का दोस्ताना। एक समय की बात है कि एक कौवा और एक बिल्ला दोनों आपस में बड़े गहरे दोस्त थे और साथ साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि उन्होंने एक चीते को अपनी तरफ आते हुए देखा। उनको उसके आने का तब तक पता नहीं चला जब तक कि वह उनके बिल्कुल पास नहीं आ गया। पर जैसे ही वह उनके पास तक आ गया तो कौवा तो उड़कर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, पर बिल्ले को भागने का मौका ही नहीं मिला। बिल्ला उसको देखते ही घबरा गया। उसने कौए से पूछा, कौए मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे नहीं बचा सकते? मेरी सारी उम्मीदें तो तुम्ही पर लगी हैं। कौवा बोला, बात यह है कि दोस्त और भाई को एक दूसरे के बारे में तभी सोचना चाहिए जब वे किसी खतरे में पड़े हों। सो तुमने अच्छा किया जो मुझे याद किया। तभी कुछ चरवाहे अपने शिकारी कुत्तों के साथ उधर से गुजर रहे थे। कौवा उनकी तरफ उड़ा और अपने पंखों से कांव कांव करते हुए उनके सामने की थोड़ी सी जमीन खोद दी। फिर वह एक कुत्ते के ऊपर गया और उसके मुंह पर अपने पंख फड़फड़ाए। फिर थोड़ी दूर तक चीते के पास तक उड़ गया। उस कुत्ते ने उसका यह सोचकर पीछा किया कि वह उसको पकड़ लेगा और खा लेगा। उसी समय एक चरवाहे ने अपना सिर ऊपर उठाया और कौए को जमीन के ऊपर उड़ते हुए देखा। सो उसने उस कौए का पीछा किया और वह कौवा उसको अपने पीछे पीछे भगाते हुए उस जगह ले आया जहां वह चीता था। जब कुत्तों ने उस चीते को देखा तो वे दौड़कर उस पर टूट पड़े। कौवा तो वहां से उड़कर भाग गया और चीते को भी उन भयानक कुत्तों को देखकर उस बिल्ले को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाना पड़ा। इस तरह कौए ने अपने दोस्त बिल्ले की जान बचाई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।